हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र अपने अनूठी दैव्य परंपरा के कारण समृद्ध संस्कृति को बचाए हुए हैं। इसी तरह के अनूठे रीति रिवाजों को दर्शाने वाला कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के दलाश पंचायत मुख्यालय का एक उत्सव आयोजित किया गया, जहां देवी देवताओं का स्वागत ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र में हाल ही में तैयार किए गए फलों और फसलों को इष्ट देवता पर फेंक कर किया। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र अपनी अनूठी दैव्य परंपराओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इस तरह के अनूठे रीति रिवाजों को दर्शन वाला कुल्लू जिला इस तरह के अनूठे रीति रिवाजों को दर्शाने वाला कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के दलाश पंचायत मुख्यालय का उत्सव है, जहां देवी देवताओं का स्वागत है। क्षेत्र के ग्रामीण अपने क्षेत्र में हाल ही में तैयार हुए फलों और फसलों को इष्ट पर फेंक कर करते हैं। इस दौरान मेला मैदान के चारों ओर बैठी महिलाएं फल और अनाज मैदान में नृत्य कर रहे देवी देवताओं पर फेंकती हैं। इस तरह भेंट स्वरूप अपनी फसल को चढ़ावा स्वरूप इष्टों पर फेंकने से खुशहाली बनी रहने की मान्यता है। हालांकि देवालुओं को अपने देवताओं की पालकियों में लगे मोहरों को फलों की बरसात की चोट ना लगे बचाने के लिए कई बार पसीने भी छूट जाते हैं, जबकि महिलाओं द्वारा फेंके गए फलों को लोग प्रसाद स्वरूप पकड़ने की होड़ में रहते हैं। इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक मेले को क्षेत्र में ऋषि पंचमी मेले के नाम से भी जाना जाता है। मेले के अंतिम दिन चारों देवताओं के रथ शिव मंदिर दलाश में देवालु नाचते गाते मेला मैदान तक पहुंचते हैं। इस दौरान आराध्य देवता जगदीश्वर महादेव, खोंडू देवता, कुही कांडा नाग देवता, परशुराम देवता का देव नृत्य आकर्षक का केंद्र बनता है। क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले दलाशी, डिंगीधार, कुठेड़, लूना, बहाना, दलाशा पांचों पंचायतों के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोग धूमधाम से इसे मनाते हैं। गांव में मेला मनाने आई महिला उर्मिला ने बताया कि ये एक पारंपरिक मेला है। इसके मनाने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और नाच गा कर आनंद लेते हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में आती हैं और देवताओं पर नृत्य करते हुए भेंट स्वरूप अखरोट, सेब और हाल ही में तैयार फसल को फेंकते हैं। मेरा नाम उर्मिला है, हम ढेर गांव की महिला है। हम यहाँ पे लगभग ये जो लास्ट मेला है ये काफी समय से चलता आ रहा है। यहाँ पे बहुत से गांव के लोग आते हैं, लगभग दर्जनों तो आ ही जाते हैं। और इस मेले में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, जैसे 3-4 देवी देवता है। हम इन देवी देवताओं का स्वागत अखरोट, सेब, अनाज फेंके करते हैं और हम इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये साल में एक बार होता है और मतलब इस मेले में मैचेस भी होते हैं, क्लब वाले उसको। मेला आयोजन समिति के प्रधान विद्यासागर ने बताया कि दलाशा में ऋषि पंचमी मेला धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेले का आगाज देवताओं के आगमन से होता है और उसके बाद देव मिलन व नृत्य आकर्षण का केंद्र रहता है। मेला मैदान पहुंचते ही लोग देवताओं पर अखरोट व सेब, जौ, गेहूं आदि चढ़ावा स्वरूप फेंकते हैं। मान्यता रहती है कि इससे साल भर अच्छी फसल होती है और क्षेत्र में समृद्धि बनी रहती है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।